तो हम आज करेंगे मारुति सुजुकी अल्टो 800 का, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, माइलेज टेस्टिंग। तो हम आज सबसे पहले तो इसके एलपीजी किट पे माइलेज टेस्टिंग करेंगे। आप लोगों को बता दें कि हमने मीटर 00 पे कर दिया है और अब इसकी जो टेस्टिंग रहेगी बिल्कुल कच्चे रस्तों में रहेगी। जैसे कि कच्चे रस्तों में एक जो भी घर का सिलेंडर आता है कितने किलो का आता है, जैसे कि 14-15 किलो का आता है, तो एक सिलेंडर में गाड़ी कितना एवरेज देती है। तो जैसे कि आज तो खत्म नहीं होगा सिलेंडर, इसको खत्म होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम स्लिप चलेगा इसमें और थोड़ा सा टाइम, जैसे कि हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके बता देंगे कितना टाइम लगा। जैसे हमारे एक दिन में इतना खत्म तो होता नहीं है, लंबा टूर नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पूरा वीडियो आप लोगों को शूट करके बताएंगे कि कितना टाइम लगा एक सिलेंडर को खाली होने में। वैसे लगभग मेरे हिसाब से तो मैं बहुत सी बार मीटर ट्रिप करके चलाता हूँ तो गाड़ी लगभग 375 के आसपास का एवरेज निकाल के देती है, जैसे कि वो विदाउट एसी है 375। पर अगर आज देखा जाए तो अब जैसे कि गर्मियों के दिन आ चुके हैं तो अब पूरी गाड़ी के अंदर एसी चलाना और जो कच्चे रस्तों का सिस्टम है उसको चेक करेंगे कि कितना एवरेज देती है ये गाड़ी। और मोटा मोटा मेरे हिसाब से आ जाएगा इसका लगभग 330 किलोमीटर के आसपास पर सिलेंडर। तो इसकी कॉस्ट भी निकालेंगे कि किस हिसाब से इसकी कॉस्ट आ रही है, कितने रुपए किलोमीटर गाड़ी चल रही है और पेट्रोल के अंदर कितना एवरेज देती है, सारी चीजें पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। सभी को पता है कि पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी लगभग 20 का एवरेज निकाल दे देती है और हाईवे पे 22 के आसपास दे देती है, लेकिन एलपीजी के अंदर कितना देगी। सीएनजी का भी सबको पता है कि लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकाल के देती है, लेकिन अगर बात की जाए कि एलपीजी के अंदर कितना देगी तो वो वाला रियल लाइफ टेस्ट करेंगे हम। और वैसे मैंने टेस्ट बहुत सी बार कर रखा है लेकिन आप लोगों को बताया नहीं कि कितना एवरेज देगी, क्योंकि बहुत सी बार वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। और आप देख सकते हो कि इस तरह के रोडों पे चलेगी ये गाड़ी पूरी, बहुत सी जगह पे पक्के भी है ऐसी बात नहीं, अच्छे रोड भी है, लेकिन अधिकतर ऐसे ही रोडों पे चलती है ये अपनी। तो अब पूरा टाइम निकाल के आपको दिखाएंगे कि जैसे कि किस हिसाब से कितना एवरेज दे रही है गाड़ी। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप सभी लोगों को बताया कि अपने माइलेज टेस्ट करने की सीरीज चली हुई है, तो अब आज जो थर्ड डे था इसका, इस दिन ये गाड़ी चली है लगभग 165 किलोमीटर आज टोटल। तो अब ये कितनी और चलती है उसको देखते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं चचट, अब ये कितने किलोमीटर की और सर्विस देगी। मेरे हिसाब से तो लगभग 330-340-350 किलोमीटर तो आराम से चलेगी। तो एक सिलेंडर के अंदर अगर 340 किलोमीटर चलती है विद एसी चली रहती है गाड़ी के अंदर, जैसे कि एसी बंद नहीं करते हम, इसके अंदर एसी चली रहती है। तो अब ये एसी के अंदर एलपीजी कितना एवरेज देती है उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे बिना एसी के अंदर कितना देती है। बिना एसी के अंदर तो मैंने निकाला हुआ है, जैसे कि लोकल रोड पे 360 प्लस देती है, 360 तो देती है। इसके अलावा अगर फोर लेन पे हो आप हाईवे पे, तो इससे हमने 402 किलोमीटर का भी एवरेज निकाला हुआ है। और जैसे कि एलपीजी के अंदर एवरेज अच्छा है गाड़ी का अल्टो का, अगर सेटअप करवाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। पुरानी गाड़ी रहेगी आपकी 2020 से बाद वाली, 2020 तक की, तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और 2000 के बाद पहले वाली गाड़ी तो उस पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इस सीरीज में बने रहे, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, कब सिलेंडर खत्म होता है अपना। तो दोस्तों ये 14 दिन और गाड़ी चल चुकी है 205 किलोमीटर के आसपास, और अब ये कितनी और चलेगी देखते हैं। शाम को लगभग ये हो जाएगा 250 के आसपास, और ऐसे रास्तों पे चलती है गिट्टी वगैरह पे, तो कितना एवरेज देगी कितना माइलेज देगी सारा निकाल के बताएंगे आप लोगों को। और कुछ ऐसा मौसम हो रहा है यहाँ पे अपने यहाँ पे, तो आप लोगों को बता दें कि लगभग आज ये 14 दिन है और गाड़ी चल चुकी है अपनी 322.8 किलोमीटर इसी सिलेंडर पे। तो अब देखते हैं कि कितने दिन और चलती है और कितने किलोमीटर और चलती है, शायद ये पूरी टंकी कल खाली हो जाएगी, तो फिर इसका एवरेज आप लोगों को क्लियर बता देंगे कितना देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गाड़ी ने 378 किलोमीटर पर टंकी का एवरेज दिया है आज, और ये खत्म हो चुकी है, पेट्रोल पे चल रही है अभी। तो दोस्तों पूरे वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को ये बताया कि अल्टो 800 एक टंकी के अंदर 378 किलोमीटर का एवरेज देती है एलपीजी टंकी के अंदर, अगर एलपीजी आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुआ है तो। साथ ही अगर बात की जाए एक टंकी कितने की आती है, तो एक टंकी 1250 रुपए के अंदर रिफिल होती है गाड़ी के अंदर। तो अगर अपन 1250 डिवाइडेड बाई 378 करें तो 3.30 रुपए का खर्च आता है पर किलोमीटर। साथ ही अगर बात की जाए पेट्रोल के खर्च के बारे में, तो पेट्रोल का खर्च अपन को लगभग नहीं करते भी, लगभग हम लोगों को जैसे कि 5-6 रुपए किलोमीटर का आराम से पड़ जाता है। तो आधी कॉस्ट के अंदर ये गाड़ी चल रही है। अगर साथ ही बात की जाए तो जैसे कि स्पोर्ट बाइक रहती है, उस गाड़ी की स्पोर्ट बाइक का माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो उस माइलेज के हिसाब से अल्टो 800 के अंदर एलपीजी किट बहुत ही ज्यादा सक्सेस है। अगर आपकी गाड़ी 2020 से नीचे का मॉडल है तो आराम से लगवा सकते हो, और ये गाड़ी आरसी पे भी चढ़ जाती है।
तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।